सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय ओजीवा, बी अ बेटर यू। लोकेश 24 साल के हैं, नोएडा के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले उन्होंने नोटिस किया कि उनके पेट के निचले हिस्से में एक अजब सी सूजन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्किन के अंदर कोई गेंद है। सामान उठाने पर भी काफी दर्द हो रहा था। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उन्हें हर्निया है। हर्निया यानी जब शरीर का कोई भी अंदरूनी अंग जिस मांसपेशियों से घिरा हुआ होता है या फिर जिस टिश्यू यानी ऊतक के अंदर होता है वो उसकी दीवार पर प्रेशर मारकर बाहर की तरफ आने लगे। अब ज्यादातर हर्निया जो है वो चेस्ट, पेट के निचले हिस्से या फिर हिप्स पर पाया जाता है। अब लोकेश को उनके डॉक्टर सर्जरी करने की सलाह दे रहे हैं हर्निया को हटाने के लिए। लोकेश को समझ में नहीं आ रहा कि वो सर्जरी करवाएं या नहीं, उनको सर्जरी करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए। वो चाहते हैं हम हर्निया पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, कितनी तरह का होता है, क्यों होता है और हाँ इसका इलाज क्या होता है, ये डॉक्टर से पूछ कर बताएं। वैसे एक बात और बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक इंडियंस में हर्निया होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जिसके पीछे वजह है कमजोर मांसपेशियां और कम मसल मास। तो आज बात करते हैं हर्निया के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर से समझते हैं कि हर्निया क्या होता है और क्यों हो जाता है। हमारे पेट के ऊपर जो परत है, इस परत में अगर कहीं कोई छेद हो जाए या इस परत पे जो पहले से छेद है उन छेद का साइज अगर बड़ा हो जाए तो वहां पर हमारी पेट के अंदर से आतड़ी या तो पेट के आतड़ी के ऊपर जो चर्बी है ये बाहर आने लगती है। इसी जगह को हम हर्निया कहते हैं। अब हमारे पेट की परत पर इस तरह के दो या तीन छेद जन्मजात होते हैं, जैसे हमारे नाभि के ऊपर। नाभि हर किसी के पेट के ऊपर रहती है और नाभि का जो छेद रहता है वो जन्म पर बुझ जाता है। किसी किसी की ये नाभि बुझती नहीं है और वहाँ पर एक आधा सेंटीमीटर या उससे छोटा कभी कभी छेद रह जाता है। जब इस छेद का साइज बढ़ जाता है, इस छेद में से पेट के अंदर की आतड़ी बाहर आना शुरू कर देती है। इसी को हम नाभिका हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इसी तरह जांग में दो जगह रहती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। जब इस लेफ्ट साइड और राइट साइड की जांग की जगह पर छेद बढ़ जाए तो उसमें से हमारी आतड़ी बाहर आना शुरू कर देती है। इसे हम जांग का हर्निया कहते हैं। उसका जो इंग्लिश नेम है वो है इंग्वाइनल हर्निया, जो कि राइट साइड या लेफ्ट साइड में होता है। मोटापे की वजह से जिससे पेट का साइज बढ़ जाए, जिससे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए, किसी किसी पेशेंट में जिसमें खांसी बहुत होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, जो बार बार बहुत ज़्यादा खांसते हैं, इस वजह से जब पेट का प्रेशर बढ़ता है तो ये पेट का प्रेशर बढ़ने की वजह से पेट के जो छोटे छोटे छेद है परत के, ये साइज में थोड़े बढ़ने लगते हैं और उस वजह से हर्निया होता है। जैसे जैसे हमारा एज हो जाता है, जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमें पेशाब करने में तकलीफ होती है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से, या तो कब्जियत होता है। इन कब्जियत की वजह से हम जब जोर लगाते हैं मोशन पास करने के लिए या पेशाब करने के लिए, तब भी पेट का प्रेशर बढ़ता है और ये प्रेशर की वजह से भी छेद बढ़ जाते हैं। जिन पेशेंट्स का किसी और कारण की वजह से पेट का ऑपरेशन हुआ हो, कभी जब पेट का ऑपरेशन किसी भी कारणवश हो, जैसे लेडीज लोगों में सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन होता है या बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन होता है, किसी और पेशेंट में अल्सर फटने की वजह से ऑपरेशन होता है, किसी पेशेंट्स में दूरबीन से हम पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं, तो किसी ऑपरेशन की वजह से जब पेट पर चीरा पड़ता है तो ऑपरेशन के बाद भी हर्निया होने की संभावना रहती है। ये कारण इसलिए है क्योंकि पेट के ऊपर एक चीरा पड़ता है, हमारी पेट की परत उस वजह से थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तो 100 में से 25-30% लोगों में पेट का ऑपरेशन होने के बाद पेट के ऊपर से हर्निया बन सकता है। इसे हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। इंसिजनल इसलिए क्योंकि पेट के ऊपर एक इंसिजन या तो ऑपरेशन का एक घाव पड़ा था, उस घाव की वजह से हमारी पेट की परत थोड़ी कमजोर हो गई और उस वजह से हर्निया हुआ है। हर्निया के लक्षण में बेसिकली पेट के ऊपर सूजन आना शुरू होती है। जब भी पेशेंट खड़ा होता है, पेशेंट चलता है, तब पेशेंट को जांग में
या नाभि के ऊपर सूजन आना शुरू हो जाती है। अगर किसी का पहले कोई ऑपरेशन हुआ है तो जो ऑपरेशन की जगह है वहाँ पर सूजन आना शुरू हो जाती है। शुरुआती सूजन के बाद धीरे धीरे इसमें दर्द होने लग जाता है और जब भी पेशेंट लेट जाता है तब पेट का प्रेशर कम होने की वजह से ये सूजन अपने आप कम हो जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है हर्निया का। शुरुआत इसकी सूजन से होती है और ये सूजन बढ़ जाती है जब भी पेशेंट खड़ा होता है या चलता है, और यही सूजन जब पेशेंट लेट जाता है तब पूरी तरह चली जाती है। जैसे जैसे हर्निया का साइज बढ़ता है वैसे वैसे ये सूजन बढ़ती जाती है, दर्द बढ़ते जाता है। हर्निया ना हो इसके लिए हमें हमारी शरीर की एक्सरसाइज कर हमारी पेट की परत का मजबूती ज़्यादा अच्छे से रखनी चाहिए। हमारे पेट की परत पर मजबूती आने के बाद कंस्टिपेशन ना हो, कब्जियत ना हो, यूरिन के लिए तकलीफ ना हो, अस्थमा का अगर प्रॉब्लम है तो उसे सारा कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि खांसी ना होने पर पेट का प्रेशर ना पड़े। अगर किसी पेशेंट को या किसी मरीज को हर्निया है तो हर्निया का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी द्वारा होता है। इसे एक छोटी सी शस्त्रक्रिया कर या ऑपरेशन कर ठीक किया जाता है। हम ऑपरेशन में जो पेट की परत में छेद हुआ है उसे टाके से बंद कर उसके ऊपर एक जाली लगा देते हैं जो कि एक सिंथेटिक मटेरियल आता है प्रोलिन, उससे बनी होती है। इस जाली लगाने की वजह से या मेश लगाने की वजह से जो पेट की परत में कमजोरी आई थी इसमें मजबूती आ जाती है और हर्निया दोबारा नहीं हो पाता। हर्निया का इलाज ओपन तरीके के ऑपरेशन या तो दूरबीन से, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कहते हैं, दोनों तरीके से किया जाता है। हर्निया का साइज कितना है, हर्निया कितना बड़ा है, हर्निया की तकलीफ कितनी है, हर्निया के बाकी सब आस्पेक्ट देखने के बाद पेशेंट को दूरबीन से ऑपरेशन अच्छा रहेगा या ओपन तरीके से अच्छा रहेगा ये निश्चय किया जाता है। तो हर्निया अगर आप किसी को है, पेट के ऊपर परत के ऊपर सूजन आ रही है, तो जल्द से जल्द आप किसी सर्जन को दिखाएं और अपने हर्निया का इलाज करवाएं। उम्मीद है जिन लोगों को हर्निया है उन्हें इसका इलाज समझ में आ गया होगा। अगर डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दे रहे हैं तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। हर्निया से बचने के लिए डॉक्टर की टिप्स का पालन जरूर करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए आपको दिन भर थकान क्यों महसूस होती है हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में। क्या आपको दिन भर थकान महसूस होती है, सोकर उठने के बाद भी थका हुआ लगता है? अब इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर जीनत ने। जैसे आराम परस्त जीवन शैली और वजन बढ़ने से भी थकान रहती है। शरीर में आयरन और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। यही खून की कमी अक्सर औरतों में भी देखी जाती है, जिसका कारण खराब पोषण या फिर पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियां होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। औरतों में थायराइड हार्मोन की कमी भी देखी जाती है। इसका पहला लक्षण होता है थकान। बहुत बार थकान शरीर की किसी अंदरूनी दिक्कत का पहला लक्षण होती है, जैसे डायबिटीज, TB, क्रॉनिक लिवर या फिर किडनी की बीमारियां। कभी कभी कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं होती है, पर डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से हमें थकान रहती है। अगर थकान का इलाज करना है तो सबसे पहले इसके पीछे क्या कारण है ये जानना होगा। इसलिए कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर, विटामिन डी और B12 लेवल की जाँच। डॉक्टर की सलाह से ये टेस्ट जरूर करवाएं, उसके बाद अपने कारण को देखते हुए इलाज शुरू करें। दिन भर होने वाली थकान और कमजोरी को इग्नोर ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अंडे के साथ चाय कॉफी क्यों नहीं लेनी चाहिए। अंडे को सेहत के लिहाज से सुपर फूड कहा गया है। इसका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसको चाय और कॉफी के साथ लेना अवॉइड करना चाहिए। ज्यादातर लोग सुबह नाश्ते के समय अंडा और चाय या फिर कॉफी दोनों साथ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अंडे के साथ चाय पीने से आपके शरीर को नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसके बारे में हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट मेधा कपूर से। उनका कहना था कि ये बात सही है कि अंडे को चाय या फिर कॉफी के साथ नहीं खाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि सिर्फ अंडा ही नहीं, कोशिश करें कि स्नैक्स या मील लेते वक्त चाय या कॉफी आप ना लें। दरअसल चाय और कॉफी में कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके खाने के पोषक तत्वों के पाचन और अब्सॉर्प्शन में बाधा डालते हैं, जिसकी वजह से शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने मील्स को लेते वक्त इन दोनों चीजों को साथ में ना लें।
आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।